नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आपके परिधान के विषय में, आपके पहनावे के विषय में। आप कौन से वस्त्र ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, उन वस्त्रों को पहन के क्या आपके काम बिगड़ जाते हैं या बन जाते हैं, आपको ये बताएंगे। इसी के साथ ही किसी विशेष कार्य को सफल करने के लिए आपको कौन से रंग के वस्त्रों का, कौन से परिधान का प्रयोग करना है, ये आपको बताने की कोशिश रहेगी। इसी के साथ ही दैनिक राशिफल की चर्चा होगी। सफलता का अचूक महा उपाय है हमारे पास, और आपके प्रश्नों के जवाब के देने के साथ ही आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री, आपकी साझेदारी यदि आपने किसी के साथ की है, कोई पार्टनरशिप चल रही है, उसको बिल्कुल मजबूत करेगी। यदि पार्टनरशिप टूट भी गई है तो उसको वापस बहाल वो कर सकती है। तो छोटी सी ये सामग्री कैसे आपके कार्यों को सिद्ध करेगी, आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम श्री रामचंद्राय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके मन की घबराहट खत्म होती है। तो जब आप महसूस करें कि आप मन में घबरा गए हैं या डर की कोई समस्या है, तो इस मंत्र को जरूर जप। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 फरवरी 2023, दिन रविवार, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र होगा कृतिका, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय आप नोट कर लीजिए, शाम 4:30 से 6 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशा शूल होगा पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कपड़ों के रंग का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव होता है, कैसा असर होता है, आइए जानते हैं। देखिए, इस संसार की हर वस्तु और रंग किसी ना किसी तरंग से मिलकर बनी है, और साथ ही हमारे ग्रह और नक्षत्र भी और उनके उपाय भी इन्हीं रंगों के ऊपर आधारित हैं। तो रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्ता है, रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन रंग का प्रयोग करके किस तरीके के कलर का आप प्रयोग करेंगे ये देखना होगा। उसी रंग का प्रयोग करके आप लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, और वो लोग जो अक्सर घर से जब निकलते हैं और उनके कार्य बिगड़ जाते हैं, तो उन्हें विशेष तौर पर अपने ग्रहों के साथ रंग पर भी ध्यान जरूर देना चाहिए। तो जो रंग हम ज्यादा प्रयोग करते हैं उससे संबंधित ग्रह भी हमें वैसा ही असर देना शुरू कर देते हैं। जिस रंग के कपड़ों में लोग हमें ज्यादा देखते हैं उनके ऊपर भी उसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग अवसरों के लिए, अलग अलग टाइमिंग के लिए अलग अलग रंगों का हमें प्रयोग करना है ताकि हमें सफलता कम समय में मिल सके। कमर के ऊपर वाले भाग में, यानी कि जो नाभि से ऊपर का हिस्सा है, वहां पहनने वाले कपड़ों के रंगों का हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत होता है। अब कौन सी समस्या कौन सा रंग दूर करेगा, आइए जानते हैं। देखिए, शादी विवाह की समस्याओं को खत्म करने के लिए आप कौन से रंग का प्रयोग करें, कैसे यह समस्या हल होगी। देखिए, कुंडली में सप्तम भाव का कारक महिलाओं की बृहस्पति माना जाता है, और देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए आपको पीतवर्ण यानी कि पीला रंग प्रयोग करना है। तो भाई, महिलाओं का विवाह देवगुरु बृहस्पति और पुरुषों का विवाह शुक्राचार्य यानी कि शुक्र के प्रभाव से होता है। महिलाओं को विवाह के समय पीले रंग के चमकदार और खूबसूरत रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पीले रंग का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। इस रंग का प्रयोग शुभता के साथ ही दाम्पत्य जीवन को मधुर भी बना देता है। तो मित्रों, पुरुषों को विवाह के लिए, यदि उनके विवाह में कोई समस्या है, तो पुरुषों को विवाह हेतु हल्के गुलाबी और सफेद चमकदार रंग के कपड़ों का प्रयोग जरूर करना है। तो हमने बताया कि महिलाओं के और पुरुषों के विवाह में और उनके दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मधुरता नहीं है, कटुता आ चुकी है, बात बिगड़ चुकी है, तो कौन से रंग का प्रयोग करना है, यानी कि पीला रंग
और सफेद और गुलाबी रंग आपके दांपत्य जीवन को मधुर कर सकता है। आइए जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जरूरी काम में देरी बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना का योग टलेगा। अपने भाग्य पर विश्वास रखें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें, शुभ रंग होगा गेरुआ। वृषभ राशि, प्रिय मित्र के मिलने का योग बनेगा, दोपहर बाद समय उत्तम है, रिश्तों में मधुरता आएगी, चंदन के इत्र का दान करें, शुभ रंग होगा हरा। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें, घर आए मेहमान का सम्मान करें, पारिवारिक वाद विवाद खत्म होंगे, हरी वस्तुओं का दान सर्वोत्तम होगा, शुभ रंग है आसमानी। मित्रों, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं या फिर आपने अपना व्यापार चला रखा है, तो ऐसे में आपकी नौकरी और व्यापार में कौन सा रंग आपकी मदद करेगा, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, हरे रंग का संबंध हमारी सेहत, दिमाग और त्वचा से है, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारी स्किन और हमारी हेल्थ का जो कारक है वो हरा रंग है। इसे बुध का रंग भी माना गया है। ज्योतिष में बुध का संबंध हमारी सेहत और दिमाग से जोड़ा गया है। हमें नौकरी का कोई कार्य करना है, व्यापार, बुद्धि या फिर दाम्पत्य जीवन को मधुर करना है, जीवन में हरे रंग का प्रयोग बेहद जरूरी है। ये छोटा सा रंग प्रयोग करके, हल्का हरा रंग प्रयोग करके आप इन तमाम चीजों में सफलता कम समय में पा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दांपत्य जीवन, आपके पारिवारिक जीवन को आप कैसे मधुर बना सकते हैं, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, गुलाबी रंग का जो संबंध है वो चंद्रमा, मंगल और शुक्र ग्रह से माना गया है। दांपत्य जीवन का कारक शुक्र है, यह आप जानते हैं, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए, दांपत्य जीवन को मधुर करने के लिए शयन कक्ष में गुलाबी रंग का प्रयोग आपको जरूर करना है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, किशोरावस्था जब टीनेज अगर कोई बच्चा है, उस समय आप गुलाबी रंग का प्रयोग उससे भूलकर भी ना कराएं, उस समय बचने का प्रयास करना है, क्योंकि ऐसे में जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, उनमें भटकाव की स्थिति इस रंग से आ जाती है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गुलाबी वस्त्र या वस्तु या मिठाई आप उपहार में दें, ऐसा करने से भी आपका दांपत्य जीवन और पारिवारिक जीवन मधुर होगा। अब आपको बताते हैं नीले रंग का प्रयोग कब करें। बहुत ये मुश्किल में होते हैं लोग कि नीले रंग को प्रयोग में लाएं या ना लाएं। देखिए, ज्योतिष में नीले रंग का संबंध आपको बता दूं शनि से है। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आप वैज्ञानिक हैं, कोई लेखन प्रक्रिया में हैं, या जमीन जायदाद से निकलने वाले पदार्थों का आपको कोई कार्य है, या फिर आप सेल परचेस का कोई कार्य करते हैं, तो नीले रंग का प्रयोग आपको अधिक करना है। ऐसा करना आपकी बुद्धि को शांत करना होगा, मन को एकाग्र जरूर करना होगा। मित्रों, शारीरिक ताकत और उत्तम सेहत के लिए आपको कौन से रंग का प्रयोग करना है, यह भी जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में लाल रंग का संबंध मंगल और सूर्य से है, यह आप जानते हैं। सूर्य हमारे लग्न का कारक है, मंगल हमारी एनर्जी यानी तीसरे भाव का कारक है, जो कि हमारी ऊर्जा, साहस और रक्त की स्थिति को बेहतर करता है। तो मित्रों, सेहत यदि खराब है, शारीरिक ऊर्जा नहीं है, तो सेहत खराब होने पर, शरीर में ऊर्जा कम होने पर लाल रंग का प्रयोग आपको जरूर करना है। ऐसा करने से साहस में वृद्धि होगी और आप हर तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और मन की निराशा भी खत्म होगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन सारा दिन परेशान रहेगा, दूसरों की मदद करने का प्रयास करें, बाहर के खान पान से आपको बचना है। आज के दिन भगवान शिव की उपासना करें, शुभ रंग होगा सफेद।
सिंह राशि, शाम तक जरूरी कार्य निपटा लें। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, किसी का मन ना दुखाएं तो बेहतर है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें, शुभ रंग होगा लाल। कन्या राशि, शाम तक व्यापार में लाभ होगा, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करें, भगवान गणपति की उपासना करें, शुभ रंग होगा कत्थई। मित्रों, ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग अपना प्रश्न साझा करते हैं। सबसे पहले तो आप वो हेल्पलाइन नंबर नोट करें, 9643333444। ये वो नंबर है जिस पर आप अपने मन के संशय, दुविधा या परेशानी लिखकर भेजेंगे तो उनको हल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। पहले दर्शक हैं आशीष यादव, दिल्ली से हैं, बहुत स्वागत है। ये कह रहे हैं कि मेरा मकान कब तक बनेगा, उपाय बताइए। आशीष, आप मेष लगन और मकर राशि के हैं। वर्तमान समय में राशि से दूसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो हर कार्य में कहीं ना कहीं बाधा डालेंगे, लेकिन आप धैर्य से काम लीजिएगा। अगस्त 2023 के बाद घर बनने का प्रबल योग है। अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं और हर पूर्णिमा का व्रत करना आप शुरू कर दीजिए, आपका कार्य बनने लगेगा। दूसरी दर्शक है लीना गुप्ता, ओडिशा से हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है, कोई उपाय बताएं। देखिए लीना जी, आप मेष लगन और वृषभ राशि की हैं। वर्तमान समय में राशि से 12वें घर में राहु का गोचर है, जो कि विदेश यात्रा में आपकी भरपूर मदद करेगा। तो ऐसे में अपने घर के बड़े बुजुर्गों के नाम से किसी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें। अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक करें, आपका कार्य धीरे धीरे सफल हो जाएगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज्योतिष गुरु की हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न जरूर साझा करें। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, उपहार मिलने का योग बना हुआ है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लें, अपने वादे को निभाने की भरपूर कोशिश करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, व्यापार में सफलता थोड़ा सा कम मिलेगी। घर आए मेहमान से ना उलझें, अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें। सुबह या शाम हनुमान जी की उपासना करें, शुभ रंग होगा मरु। धनु राशि, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होगा। धन किसी को उधार ना दें, रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। भगवान विष्णु को पीला चंदन अर्पित करें, शुभ रंग होगा नारंगी। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी और व्यापार के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। धन, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय भगवान महादेव के शिवाष्टक का पाठ करें, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सोचा हुआ कार्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा। रिश्तों की खटास खत्म होगी। किसी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श करें, मां दुर्गा के मंदिर अवश्य जाएं, शुभ रंग होगा सफेद। कुंभ राशि, बड़े बुजुर्गों का आदर करें। शाम तक समय आपके अनुकूल है, व्यापार में फंसा हुआ धन निकल जाएगा। शाम के समय हनुमान जी की उपासना करें, शुभ रंग होगा हरा। मीन राशि, अपने घर से समय से पहले निकलें, जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, शुभ रंग होगा लाल। आइए मित्रों, बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है।
दो साबुत हरी इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें और घर से निकलते समय एक इलायची वहां से उठाकर खाकर निकलिएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो गैस्ट्रिक की समस्या से परेशान है क्या करें। बहुत सरल है, काली मिर्च के कम से कम 5 दाने पीस लीजिए और गुनगुने नींबू पानी में मिलाकर उसे पी लीजिए। हर तरीके से आपकी गैस्ट्रिक की समस्या धीरे धीरे कम होगी। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। एक सुपारी पर केसर लगाकर भगवान गणेश के श्री चरणों में आप अर्पित करें, आपको लाभ भी होगा और आप सम्मानित बनी रहेंगी। मित्रों बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपकी साझेदारी की समस्या खत्म हो सकती है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए ज्वार, कैसे प्रयोग में लाएं। 1.25 किलो ज्वार शाम के समय सफेद गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी साझेदारी के जो वाद विवाद हैं वो बहुत जल्द खत्म होंगे। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि कौन सा परिधान और कौन सा रंग पहनकर आप अपने कार्यों को सफल कर सकते हैं और कौन सा रंग आपके किसी विशेष कार्य को कैसे सफल करेगा। तो छोटे छोटे उपाय जो ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किए उन्हें अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मित्रों कुछ इसी तरीके के विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।